नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीके गुरुजी में। आज के अपने इस वीडियो में हम एक मैथ का प्रश्न डिस्कस करेंगे। तो जिस प्रश्न को हम डिस्कस करने वाले हैं उसकी पहले बात कर लेते हैं। तो प्रश्न हमारा क्या है, प्रश्न है कि कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष में दुगुनी हो जाती है तो 4 गुना होने में उसे कितना समय लगेगा। ठीक है, अब उसने कहा है कि कोई भी राशि है, ठीक है, 8 वर्ष में क्या हो जाती है, 2 गुनी हो जाती है। तो अब हमें बताना है कि अगर वह राशि 4 गुनी होती है तो समय कितना लगेगा। तो हम इसमें मूलधन जो है उसको पी मानते हैं। ठीक है, टाइम यहां पर दिया गया है, टाइम कितना है, 8 वर्ष, और कंडीशन क्या कहा कि दोगुनी हो रही है, यानी अमाउंट कितना बन रहा है, मूलधन का दोगुना यानी 2p। जब अमाउंट 2p है और मूलधन p है तो सिंपल इंटरेस्ट यानी SI यह कितना बन रहा है, ये p ही बन रहा है, क्योंकि जितना मूलधन उतना ब्याज, दोनों मिला के क्या हो रहा, डबल हो रहा। और यहां पर हमें रेट का पता नहीं है तो रेट बराबर हम क्वेश्चन मार्क कर लेते हैं। ठीक है, अब हमें रेट निकालना है तो रेट का हमारे पास सीधा सीधा फॉर्मूला होता है, रेट इक्वल SI गुणा 100 भागे P इंटू टी। SI की वैल्यू है P गुणा 100, और यहाँ P की वैल्यू तो P ही है, टाइम है 8 वर्ष, P से P कट जाएगा, 8 से अगर इसको काटते हैं तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16 और 8 पंचे 40, तो 12.5% क्या आया, रेट है। ठीक है, अब उसने कहा है तो 4 गुना होने में उसे कितना समय लगेगा। अब दूसरी कंडीशन यहां पर क्या बन रही है कि अब जो राशि है उसका अमाउंट कितना होना है, 4p होना है। ठीक है, यानी 4 गुना होना है, तो सीधी सीधी बात है कि सिंपल इंटरेस्ट कितना होना चाहिए, जो कि अभी पी मिल रहा था तो 4p में से पी जाएगा तो 3p सिंपल इंटरेस्ट मिलना चाहिए, यानी सिंपल इंटरेस्ट 3 गुना और 1 गुना राशि दोनों मिला के ही होगी 4 गुना। तो अब टाइम हमें निकालना है तो टाइम का फॉर्मूला वही होता है, SI गुणा 100 भागे P इंटू R। तो टाइम बराबर क्या निकलेगा, SI है 3p गुणा 100, मूलधन P है और रेट कितना है, 12.5 है, 12.5, दशमलव हटाएंगे, 0 ऊपर बढ़ जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, P से P को काट देंगे, अब और कुछ कटेगा, 125 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 125 का 8 बार जाएगा, तो यहां से क्या बचा, टाइम बराबर 8 थी 24 वर्ष। ठीक है, तो निकल के आ गया 24 वर्ष। कैसे निकला, पहले हमने जो कंडीशन दी थी उससे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाला, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाला तो नई कंडीशन में उसे 4 गुना राशि चाहिए, तो हमने 4p, तो यानी कि ब्याज कितना मिला होगा, 3p, उसके हिसाब से लगा लिया तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया, ये आ गया 24 वर्ष। अब इसको हम एक शॉर्ट मेथड से और सॉल्व करेंगे। क्या होती है वो शॉर्ट मेथड, वो देख लीजिए आप। तो एक शॉर्ट विधि क्या होती है कि T1 अपॉन T2 बराबर N1 माइनस 1 बटे N2 माइनस 1। ठीक है, यानी पहला टाइम भागे दूसरा टाइम बराबर में जितने गुना हुई है उससे एक कम, और जितने गुना नीचे हुई है उससे एक कम रख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा T1। पहला टाइम कितना था, पहला टाइम था 8 वर्ष, तो 8 रख दिया। T2 दूसरा टाइम हमें निकालना है, N1 पहले हो रही थी दुगनी तो 2 में से 1 जाएगा तो 1, और फिर कितनी हो रही थी, 4 गुनी, तो 4 में से 1 जाएगा 3, तो T2 बराबर कितना हो जाएगा, 8 थी 24। तो ऐसे भी आप निकाल सकते हैं और इस तरीके से भी आप इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, दोनों ही विधि हमने आपको बता दी है, ये फॉर्मूला आप सीख लीजिए, T1 बटे T2 बराबर N1 माइनस 1 और N2 माइनस 1। T1 पहला समय, T2 दूसरा समय, N1 पहला गुना और N2 दूसरा गुना।
और बस वैल्यू रख दीजिए तो आपको यहां से आंसर मिल जाएगा, ठीक है। और आप इस विधि से भी लगा सकते हैं, दोनों विधि हमने आपको बता दी हैं। और ऐसे ही नॉलेज बढ़ाने वाले वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए आपके अपने चैनल पीके गुरुजी के साथ। नमस्कार।